ओम शांति। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान में आती है कि एक आम का वृक्ष था, बहुत फलदार था। उसके पास एक छोटा सा बच्चा रोज़ आता और उसके साथ खेलता, उसकी छांव के नीचे बैठ जाता, कभी पेड़ के तने पर चढ़ता। और धीरे धीरे कुछ वर्ष बीते तो एक बहुत ही अनोखा सा संबंध उस बच्चे और उस वृक्ष के बीच में बन गया। पर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता गया और जैसे बड़ा हुआ तो उसका पेड़ के पास आना भी कम हो गया। एक दिन थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ और उस पेड़ के पास आया तो उस वृक्ष ने उससे पूछा कि आओ तुम मेरे साथ खेलो। तो उस बच्चे ने बोला कि नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल की कॉपियाँ खरीदनी हैं, मुझे तो पैसों की ज़रूरत है। तो उस पेड़ ने कहा कि बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुम मेरे फलों को तोड़ लो। और फल को उसने तोड़ा और उनको बेचकर उसने अपने स्कूल की कॉपियाँ और स्कूल में जाना आरंभ किया और धीरे धीरे और गया। पर बच्चा उस वृक्ष के पास नहीं आता था, और बड़ा हुआ और वृक्ष उसके इंतजार देखता रहता। एक दिन वो बच्चा बहुत बड़ा हो चुका था और उस वृक्ष के पास फिर आया और वृक्ष उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आओ आओ, मैं तो तुम्हारी कब से इंतजार कर रहा था, आओ थोड़ी देर बैठो, हम लोग साथ में बातें करेंगे, कुछ पुरानी बातें, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब तो मुझे नौकरी करनी है, मुझे उसके लिए धन की आवश्यकता है, मुझे सामान खरीदना है। तो उस वृक्ष ने मुस्कुराते हुए बोला कि कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो, तुम ऐसा करो कि मेरी डालियों को काट लो, मेरे तने को काट लो, और इसको बेचकर जो भी लकड़ी निकले उसे बेचकर अपने पैसे इकट्ठे करना और अपना धंधा आरंभ करना। उस बच्चे ने वही किया और उसको खरीद कर अपना कुछ पैसा इकट्ठा किया और जाकर अपना कार्य में संलग्न हो गया। पर बच्चा धीरे धीरे और बड़ा हो गया, उसका बिजनेस भी चला, अब वो बहुत बड़ा हो चुका था और थक चुका था। पर वो वृक्ष वहीं पर खड़ा खड़ा उसकी इंतजार देखता था। उसे लगता था कि शायद वो लड़का एक दिन ज़रूर आएगा। अब जब वो लड़का वृद्ध हुआ तो उसके पास एक दिन वो आया और उससे बोला कि भाई वृक्ष, मैं तो तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। वो वृक्ष उसको देख कर बहुत खुश हुआ, बहुत फूला नहीं समाया और उसे कहा कि मैं तो तुम्हारी कितनी वर्षों से इंतजार कर रहा था, पर बेटा अब तो मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस लड़के ने उससे बोला कि नहीं नहीं आपके पास अभी भी बहुत कुछ है, मैं तो बस आपकी गोद में बैठकर, आपके तने में बैठकर आराम करना चाहता हूँ, मुझे सुकून, सुख और शांति की अनुभूति होती है। यही सुनकर वृक्ष के अंदर फिर जान आने लगी। वही जो जड़जड़ी भूत पुराना वृक्ष हो चुका था वही फिर अंकुरित होने लगा। वो लड़का उसके तने में बैठ गया और उसको बहुत सुख चैन का आरंभ की, सुख और चैन की शांति की अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि उसे पुरानी यादें ताज़ी हो गई थी। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही कहानी हमारे घर घर की भी है? ये वृक्ष कोई और नहीं, ये वृक्ष हमारे घर के बड़े और बुजुर्ग ही होते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड एल्डरली डे पर आज हम सब बहुत सुंदर बातों की चर्चा करेंगे। UN एस्टिमेट करती है कि आज 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड एल्डरली पॉपुलेशन है, वो एशियन कंट्रीज के अंदर रहती है और मोर देन 700 मिलियन पीपल आज पूरे विश्व में मोर देन 65 ईयर्स हैं। आज जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है, बड़ा होता जाता है, परेशानियां बढ़ती जाती हैं, बीमारियां आती जाती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ शारीरिक बीमारियों से भी कहीं गुना अधिक आज मानसिक परेशानियां हमारे बड़ों को तंग करती हैं। आज जब हम बात करते हैं केयर की, केयर फॉर एल्डरली, केयर फॉर ओल्ड, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि उसके अंदर लिखा होता है कि आप उनको दवाइयाँ समय पर दें, आप उनके लिए किसी नर्स को रखें जो उनका ख्याल रखे, आप उनको भोजन समय पर दें। ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज क्या यही सब बातें पूरी करने से हम किसी व्यक्ति को, किसी वृद्ध व्यक्ति को सुख और चैन की अनुभूति करा सकते हैं? शायद नहीं। आज अगर वृद्ध व्यक्ति को या एल्डरली व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है हमारे एक्सेप्टेंस की। सबसे पहले हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि हमारे जीवन के इस चक्र के अंदर वृद्धावस्था भी एक रेनबो की तरह है। हम लोग कहते हैं कि अब तो शायद हम वृद्ध हो गए हैं, अब हम किसी काम के नहीं हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे काल चक्र के अंदर, हमारे जीवन के चक्र के अंदर ये भी एक सुंदर, उस खिले हुए फूल की तरह हैं जहाँ हम चाहें अपने संकल्पों को अगर हम सशक्त बनाएं तो आज भी हम बहुत लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। और जो हमारे नवयुवक हैं,
हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको ये समझना है कि ये उम्र उनके जीवन में भी कभी ना कभी आनी है। तो वृद्ध लोगों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना, उनको एक्सेप्ट करके अपनाना, इस बात को समझना ये बहुत आवश्यक है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमारे अंदर से, हमारी भावनाओं में उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट और रिगार्ड स्वतः ही उत्पन्न होता है। अगर आज एक चीज़ की जिसको हर मानव को ज़रूरत है वो है एक्सेप्टेंस के साथ साथ रिस्पेक्ट और रिगार्ड। जब भी कोई व्यक्ति उस फलदार वृक्ष की तरह जिसने हमको पाला पोसा और बड़ा किया है, आज वो बड़ा हो चुका है, आज वो वृद्ध हो चुका है, उसको भी हमारी केयर की ज़रूरत है, उसको भी हमारी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, उसको भी हमारे रिगार्ड की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं कि आजकल तो जनरेशन गैप है, हम लोगों की जनरेशन अलग है और उन लोगों की जनरेशन अलग है, तो मेरा तो ये मानना है कि ये जनरेशन गैप नहीं है, ये केवल हमारे मन और हमारे संकल्पों का गैप है। हम नहीं समझते कि वो वृद्ध व्यक्ति अपने साथ बहुत सारे ढेरों एक्सपीरियंस लेकर बड़ा हुआ है। उनके अनुभवों से अगर हम फ़ायदा उठाते हैं, उनके अनुभवों के खान से अगर हम कुछ रत्न निकालते हैं, तो वो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायी हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम सब एक प्रण ज़रूर करें कि जो भी व्यक्ति हमारे घर में बड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, उनको ना केवल हम लोग एक्सेप्ट करें लेकिन उनको रिस्पेक्ट भी दें और उनको रिगार्ड भी दें। उनके साथ हम लोग बैठें, उनके साथ हम लोग भोजन करें, उनकी बातों को सुनें, कभी कभी खिलखिलाकर हम हंस दें जैसे हम छोटे थे, और हमारी नटखट बातों पर, हमारी इनोसेंट बातों पर हमारे माँ बाप भी मुस्कुरा देते थे, खिलखिलाकर हंस देते थे, वो गुस्सा नहीं होते थे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि अगर हमारे माता पिता कोई ऐसी बात करते भी हैं तो हम लोग कहते हैं ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो पुराने ज़माने की बात है। अरे हम भी उसी ज़माने में बले बड़े हैं। आज बहुत ज़रूरत है कि जैसे वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, ऐसे हम भी उनको अपने साथ बिठाकर उनको भी अपने जैसा बच्चा बना लें, उनकी बातों को समझें, उनको हम लोग तीसरा समय दें। आज उनको हमारे साधन की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं कि हमने आपको सब कुछ दिया, हमने आपको अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी, नर्सिंग केयर दे दी, अच्छा भोजन दे दिया, क्या ये उनको सुख और चैन दे सकता है? नहीं। जैसे एक बच्चे को माँ बाप के साथ साथ उनके समय की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार आज हमारे बुजुर्गों को, हमारे घर में जो हमारे वृद्ध पॉपुलेशन है, उनको आज हमारे समय की आवश्यकता है। हमारा समय अर्थात हम उनके साथ बैठकर भोजन करें। कुछ दिन में 24 घंटे में से अगर हम आधा घंटा भी उनकी बातों को सुनेंगे, पुरानी मेमोरीज़ को हम ताज़ा करेंगे, तो उनका ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, आज ये साइंस क्लियरली प्रूव करती है कि जब हम किसी को समय देते हैं, उनके साथ खिलखिलाकर हंसते हैं, तो हमारे ब्रेन का फ्लो सिग्निफिकेंटली बढ़ता है, और ऐसे प्रोसेस में एजिंग और अल्जाइमर्स डिजीज़ यानी मेमोरी पावर जो कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हम भूल जाते हैं, हमको ध्यान नहीं रहता, ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मन एक्टिव हो जाता है। एक्टिविटी केवल शरीर से नहीं आती, केवल उनको मूव कराने से नहीं आती, लेकिन मन का एक्टिव होना दोस्तों बहुत बहुत आवश्यक है। तो एक्सेप्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें छोटी छोटी बातों पर। उनका कोई कंट्रीब्यूशन छोटा सा भी होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं भी वो कर पाते हैं, लेकिन वो छोटी चीज़ भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमारे घर में बहुत यूज़फुल होती है। और जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो उनको लगता है कि हम भी इस घर में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो भी कभी अपने मन में ऐसी भावनाएं ना लाएं कि अब तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शरीर से तो हम वृद्ध हो सकते हैं, लेकिन मन से वृद्ध होना हमारी एक अपनी चॉइस होती है। आप अगर छोटी छोटी बातें भी करें, अगर आप अपने हाथ से छोटी छोटी चीज़ों को भी करते हैं, तो वो भी घर को सुंदर बनाने में, उसको साफ रखने में, उसकी वाइब्रेशंस को चेंज करने में बहुत मददगार होती है। अपने संकल्पों को सदा पावरफुल रखें, अपने संकल्पों को सदा सकारात्मक रखें। और दोस्तों, आखिरी बात जो हम सबको अपने जीवन में करनी है वो है कि कुछ समय योग और मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें। जैसे हमारे जीवन में हम लोग सदा अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, चाहे वो मोबाइल उसकी बैटरी कम हो जाती है तो हम अपने साथ पावर बैंक भी कैरी करते हैं, इसी प्रकार
आज जब हम अपने जीवन में राजयोग मेडिटेशन को अपनाते हैं तो राजयोग मेडिटेशन हमारे संकल्पों को पावरफुल करता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा कौन है, हम किसको मानते हैं? परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा हमारे घर में सबसे बड़ा और बुजुर्ग है, और वो परमात्मा आकर हमको क्या करता है, हमारे सम्मान को पावरफुल करता है, हमको सम्मान देता है कि तुम शांत प्रिय आत्मा हो, तुम शांतमय आत्मा हो। और इसी के साथ तो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि कुछ समय योग के लिए, मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें। मेडिटेशन हमारे मन को रिलैक्स करता है, मेडिटेशन हमारे मन को एम्पावर करता है, हमारे मन की शक्ति को बढ़ाता है, हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। आज साइंस ये क्लियरली बता चुकी है कि जो लोग लंबा जीते हैं, लंबा जीने वाले व्यक्ति अपने संबंधों को बहुत श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने संकल्पों को खुशी, शांति, प्यार, पवित्रता और आनंद से परिपूर्ण करते हैं। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक संकल्प लाते हैं तो ये सकारात्मक संकल्प हमारे मन को एक नया दिशा निर्देश देते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन के द्वारा हम परमपिता परमात्मा, जो हमारा घर का सबसे बड़ा है, हमारे घर के सबसे बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा हम शक्तियाँ लेते हैं। यही शक्तियाँ जो शांति, खुशी, प्यार और आनंद है, इनको हम अपने जीवन में आने देते हैं। आप सोचो, जिस मन में सुख और शांति है, जिस मन में हर आत्मा के लिए प्यार है, जिस मन में हर व्यक्ति के लिए पवित्रता है, जिसका मन निर्मल और स्वच्छ है, वो घर कैसा होगा, वो मन कैसा होगा, वो शरीर कैसा होगा? वो शरीर सदा सशक्त और पावरफुल रहेगा, वो सदा हेल्दी रहेगा। आज साइंस ये भी बता चुकी है कि यदि हम पावरफुल संकल्प अपने मन में रखते हैं तो ये पावरफुल संकल्प हमारे जीन्स को भी रिवर्स कर देते हैं, हमारे एजिंग प्रोसेस को भी वापस रिवर्स कर देते हैं। तो आज इस वर्ल्ड एल्डरली डे पर हम एक बात सदा समझ कर जाएंगे, जो परमात्मा ने हमको कही है वो यही कहा है कि जहाँ ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटरी, ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल। आइए आज हम अपने संकल्पों को, अपने जीवन को परमात्मा की याद से श्रेष्ठ बनाएं, अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए अपने संबंधों को, आपसी संबंधों के अंदर प्रेम, प्यार, आनंद को इनकॉर्पोरेट करें, उसको अपने जीवन में आने दें। यही एक वर्ल्ड एल्डरली डे को सच्चे रूप से सेलिब्रेट करने का एक उचित उपाय है। दोस्तों, घर को स्वर्ग बनाने के लिए आज हमको अपने मन के अंदर एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। ओम शांति।